गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ पेपर टू ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ द आर्टिकल जोन प्लेट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ जोन प्लेट. इसमें आपके पास क्या है, थ्योरी आपने सारी वही लिखनी है, वही डायग्राम चल रहा है. ओ एम वन, यहाँ पर ओ एम वन, एम टू, एम थ्री, आपके इस तरह से जो है रेडियाए चलते जाएंगे. जो सेकेंड एच पी है, फर्स्ट एच पी से लैमडा बाई टू का एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा है. इस तरह से सक्सेसिव पाथ जो है वो गोज ऑन इंक्रीजिंग हो रहा है, लैमडा बाई टू, फिर टू लैमडा बाई टू, फिर थ्री लैमडा बाई टू, फिर फोर लैमडा बाई टू. सक्सेसिव में आपके पास जो है वो पाथ जो है वो बढ़ता जा रहा है. तो यहाँ पर वर्किंग हो जोन प्लेट में ओ एम वन आर वन ले लेंगे, ओ एम टू आर टू, ओ एम थ्री आर थ्री. आर वन के लिए वन पुट कर देंगे, एन की वैल्यू होता है आपके पास जनरल एक्सप्रेशन आर ऑफ एन स्केयर रूट ऑफ एन इंटू बी इंटू लैमडा. एन की वैल्यू वन रखेंगे तो आपके पास वन बी लैमडा आ जाएगा, मतलब बी इंटू लैमडा. एन की वैल्यू टू रखेंगे तो आर टू आ जाएगा, टू बी लैमडा. एन की वैल्यू यहाँ पर एन एथ पुट करेंगे तो एन इंटू बी इंटू लैमडा. वे लैमडा इज़ अ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. यहाँ से बी की वैल्यू आएगी आर ऑफ एन स्केयर बाय एन इंटू लैमडा. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. तो कह रहे हैं कि पॉजिटिव जोन प्लेट के लिए इवन नंबर कट ऑफ टू लाइट एंड देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट ए एम्पलीट्यूड विल बी ए नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, ए वन प्लस ए थ्री, ए फाइव, ए सेवन अप टू सोन ए नाइनटीन. ये कह रहा है कि हमने सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल समझने के लिए 20 एच पी ई ही एक्सपोज किए हैं लाइट को. तो अगर 20 एच पी एक्सपोज किए वो तो वैसे मुझे पता है कि सिर्फ जो नियरेस्ट है सेंटर के उनका ही एम्पलीट्यूड जो है वो इफेक्टिव हो पाएगा. जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग होती जाएगी. तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव जोन प्लेट ली है तो इवन नंबर ऑफ जोन तो वैसे कट ऑफ टू लाइट है. वो कह रहे हैं ए टू, ए फोर, ए सिक्स, ये सारे वैसे कट हो जाएंगे, इनका एम्पलीट्यूड वैसे कट ऑफ टू लाइट है, ओपेक बनेंगे, तो हम तो मतलब वो तो सारे आ जाएंगे जीरो. तो इसका मतलब सिर्फ ओड वाली इक्वेशन पहले लिख ली, फिर अब मुझे पता है कि सम ऑफ एन एट टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है एन बाय टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म का एम्पलीट्यूड ए वन के कारण आ गया, लास्ट टर्म का एम्पलीट्यूड वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20, 20 बाई टू ए वन प्लस जीरो, तो कितना आएगा 2 बाय 10 ए वन. तो आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा 20 एच पीज फॉर पॉजिटिव जोन प्लेट के लिए कितना आ जाएगा. वैसे यहाँ पर 20 है तो है लेकिन वो वैसे कट ऑफ टू लाइट है, उसका एम्पलीट्यूड अपने आप ही क्या हो गया जीरो, इसलिए वो आ जाएगा जीरो. तो यहाँ पर ए नॉट किसके इक्वल आ जाएगा 10 ए वन के. सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू. अब ये तो होगी आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो नेक्स्ट ये कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमारे पास क्या आ गया, वी गेट ए नोट जो है वो 20 टाइम्स आया है दैट ऑफ ए सिंस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, देयरफॉर बाय ब्लॉकिंग द इवन एच पीज द इंक्रीज इन इंटेंसिटी पी विल बी नियरली 400 टाइम्स. द जोन प्लेट विल दस बिहेव लाइक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ. इसका मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ पे आपके पास मिल रही है. तो ये क्वेश्चन जो है वो लग से भी आ सकता है कि आपके पास या तो डिफरेंस बताओ कन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट के बीच में जो मैंने अगली वीडियो में लिखा हुआ है ऑलरेडी, या फिर आपके पास आ जाएगा कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ कैसे होती है जोन प्लेट में प्रूफ करके बताओ. तो उसके लिए आपने क्या लेना है, अलग अलग पॉइंट कंसीडर करेंगे. जैसे आपके पास एक पॉइंट है, पी पॉइंट ले लिया, इस तरह से यहाँ पर पी डैश पॉइंट ले लेंगे, फिर पी डबल डैश पॉइंट ले लेंगे, वैसे वैसे डिस्टेंस जो है वो चेंज करते जाएंगे. तो सबसे पहला जो पॉइंट है, लेट अस कंसीडर पॉइंट पी डैश एट अ डिस्टेंस बी डैश, सच दैट बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा बी बाई टू के. वहाँ से आर ऑफ एन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा एन इंटू बी इंटू लैम्डा के. हमें पता है कि वो कह रहे हैं इस तरह से एडजस्ट किया है कि उसमें टू एच पीज आ रहे हैं, ठीक है. अगर टू एच पीज आ रहे हैं तो यहाँ पर एन की अगर टू एन आ जाएगा बी डैश इंटू लैमडा. वो कह रहे हैं टू एन की जगह एन डैश रख देंगे बी डैश इंटू लैमडा, वे एन डैश इज टू एन. वो कह रहे हैं एन एच सर्कल ऑन द जोन प्लेट कॉरस्पॉन्ड टू द सर्कल नंबर टू एन ऑफ द एच पी ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू पी डैश एंड देयरफॉर देयर विल बी टू एन एच पीज अप टू द सर्कल एट विद रिस्पेक्ट टू पी डैश. इस तरह से नदर फोकल लेंथ ले लोगे, पहले आपने पॉइंट लिया है बी डैश, ठीक है. अनदर पॉइंट आपके ले लूँगी, इसमें अनदर पॉइंट विल बी पी डबल डैश एट अ डिस्टेंस
पहले आपने लिया था b, अब आपके पास डिस्टेंस क्या है, b by 3 है फ्रॉम द जोन प्लेट. ई जोन प्लेट विल बिहेव, इसमें आप कितने एच पीज, पहले एच पीज आ रहे थे दो लिए थे, अब एच पीज इस तरह से आपने पॉइंट कंसीडर किया है कि आपके पास कितने एच पीज आ रहे हैं, थ्री एच पीज आ रहे हैं. अगर थ्री एच पीज आ रहे हैं तो मुझे पता है, देखो रिजल्टेंट होता है A1 माइनस A2 प्लस A3, दो आएंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आखिर में क्या मिल रहा है, कम होके मिल रहा है, तो आपके पास रिजल्टेंट क्यों हो जाएगा मिनिमम. एक और आखिर में आपके पास क्या मिल रहा है, पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, तो अगर 3 एच पीज आ रहे हैं और नो प्रो एच पीज तो आपके पास क्या बनेगा, मैक्सिमम. तो इसका मतलब आपके पास बी बाई 5, बी बाई 7, ठीक है, इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस पे इंटेंसिटी जो है वो मिलती जाएगी, ओड के ऊपर मैक्सिमम मिलेगी और इवन के ऊपर मिनिमम मिलेगी. तो इसका मतलब जोन प्लेट जो है वो किस तरह बिहेव करेगी, कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगी, हैविंग नंबर ऑफ फोकल लेंस बी, बी बाई 3, बी बाई 5, बी बाई 7. तो इस तरह से एक्शन ऑफ जोन प्लेट फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्शन ऑफ जोन प्लेट. देखिए तो इसमें क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बी द सेक्शन ऑफ जोन प्लेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, एस इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट गिविंग आउट स्फेरिकल वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा प्लेस एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द जोन प्लेट. वो कह रहे हैं जोन प्लेट जो है सोर्स से कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है, ए डिस्टेंस पे, और स्क्रीन जो है वो कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है जोन प्लेट से, बी डिस्टेंस पे. ठीक है, ये है आपके पास डायग्राम. द पॉइंट एस एंड पी आर सेट टू बी कॉन्जुगेट पॉइंट इन केस ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट. ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है, सोर्स और जोन प्लेट के बीच में डिस्टेंस है ए, जोन प्लेट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है बी. ठीक है, वो कह रहा है आर वन, वो ही सारी थ्योरी दोबारा लिखी जाएगी, आर वन ओ एम वन, आर टू ओ एम थ्री, आर थ्री ओ एम थ्री. अब वो कह रहे हैं अगर एस ओ प्लस ओ पी करते हैं तो फ्रॉम फिगर ये किसके कुल आएगा, ए प्लस बी के. एस एम वन प्लस एम वन पी कितना पास से अगला वेरी कर रहा है, लैमडा बाई टू से, तो आ जाएगा लैमडा बाई टू. एस एम टू प्लस एम टू पी आगे एक और लैमडा बाई टू ऐड हो जाएगा, तो टू लैमडा बाई टू एंड टू सो ऑन इन ट्रैंगल एस एम वन ओ. एस एम वन ओ हाइपोटन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर. तो यहाँ से हाइपोटन्यूज स्केयर परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर की कुल आ जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास. यहाँ से एम वन ओ की जगह आएगा आर वन स्केयर और एस ओ की जगह आ जाएगा ए स्केयर. तो यहाँ से एस एम वन स्केयर ए स्केयर प्लस आर वन स्केयर की इक्वल आ जाएगा. ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि हमने ए स्केयर आगे क्यों लिखा है, और ये जो वेरी कर रहा है रेडियस, जो चीज़ वेरी करेगी उसको बाहर पीछे रखेंगे, ए कॉन्स्टेंट है इसको आगे रखेंगे. बायनोमियल एक्सपेंशन में भी आपके पास ऐसे होता है, वन प्लस एक्स की पावर एन हमेशा कॉन्स्टेंट आगे होता है, जो वेरी करता है उसको पीछे रखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट आगे रखा है, वेरिएबल चीज़ को पीछे रखा है. इस तरह से इन ट्रायंगल ओ एम एन पी में लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू पेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर आ जाएगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस एम वन एंड एम वन पी इन इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस लैम्डा बाई टू. यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगी. इसको जब एक्सपेंडिंग बाय बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे और हायर टर्म्स को वैसे आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास मुझे पता है वन प्लस एक्स की पावर एन है, तो बायनोमियल एक्सपेंशन में वन प्लस एन इंटू एक्स हो जाता है. तो यहाँ पर इस तरह से इसकी पावर थी वन बाई टू, तो कितना आ जाएगा, वन प्लस एन एक्स, वन बाई टू एक्स प्लस बी, वन प्लस हाफ दिस, ये आ जाएगा. ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, टू कॉमन ले लेंगे, ठीक है, टू से टू अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आर वन स्केयर वन बाई ए प्लस वन बाई बी के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से रेडियस ऑफ nth जोन किसके इक्वल आ जाएगी, आपके पास रेडियस ऑफ nth जोन जो है आर ऑफ एन स्केयर वन बाई ए प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू एन इंटू लैमडा, वन बाई ए प्लस वन बाई बी एन लैमडा बाई आर ऑफ एन स्केयर इज इक्वल टू वन बाई एफ ऑफ एन. दिस इज इक्वेशन नंबर टू, वेयर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू आर ऑफ एन स्केयर बाई एन इंटू लैमडा. फ्रॉम इक्वेशन टू आर ऑफ एन स्केयर की वैल्यू आ जाएगी ये, एन की वैल्यू वन टू थ्री अप टू सोन पुट करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द रेडियो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एच पी जोन. The possible focal length of zone plate are given by putting m is equals to 1, 2, 3. So first focal length के लिए r of n square by n lambda, second के लिए r of n square by 2 n lambda. तो ये आपके पास जो है zone plate की construction, working, ठीक है, ये होता है आपके पास. और action of zone plate for spherical wave front, very important article it was.
ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है वो डिफरेंस है बिटवीन ज़ोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस, ये भी मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख दिया है क्योंकि ये कंसेप्चुअल में क्वेश्चन आता है। ज़ोन प्लेट वाला आर्टिकल आपका ख़त्म हो गया है। अब ये है डिफरेंस बिटवीन द ज़ोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस, तो इसमें आपने क्या लिखना है, पहला तो डिस्टेंस फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा कि फोकल लेंथ लेंस के लिए म्यू माइनस वन वन बाय आर वन स्केयर माइनस वन बाय आर टू से दिया जाता है, और जोन प्लेट के लिए एन लैम्डा बाय आर ऑफ एन स्केयर से दिया जाता है। आई कह रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ ऑफ लाइट। लेंस के लिए तो वो कह रहा है जो फोकल लेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। फोकल लेंथ जो है किसके लिए, लेंस के लिए, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेवलेंथ के, ठीक है। लेकिन जोन प्लेट के लिए ही इन्वर्स रिलेशन में होता है टू द वेवलेंथ के लिए, तो वो कह रहे हैं इसी तरह से इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू, अब लेंस में इमेज बनती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन और जोन प्लेट में इमेज बनती है ड्यू टू डायफ्रेक्शन, ठीक है। तो ये है आपके पास डिफरेंस between the zone plate and convex lens. So in the next video lecture we will discuss the diffraction at different shapes. Okay, so this was all about your today's video's lecture. So thank you students.